बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इंफॉर्मेशन। लीगल इंफॉर्मेशन में खुश आमदीद। सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दश कर रही है कि 28/5/2023 को EOBI के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। तो इस खबर पर फिर मैंने तहकीकात के लिए कई सारे लोगों से रब्ता किया, तो जो मेंबर हैं खैबर पख्तूनख्वा से मोहम्मद इकबाल खटक साहब, उन्होंने अभी रिप्लाई दिया है और उन्होंने फरमाया है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के इजलास की अभी तक मेरे पास कोई इतला नहीं है। आपको पता है सबसे पहले जब भी इजलास किया जाता है तो मेंबरान बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को उसकी इतला दी जाती है, उनको एजेंडा भेजा जाता है और प्रॉपर एक मेकनिज़म होता है इजलास तलब करने का। तो ये जो सोशल मीडिया पर आ रही है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास 28/5/2023 को होने जा रहा है, अभी तक किसी से आज़ाद ज़राए से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है और ना ही मेंबरान बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ इसकी जो है कोई तस्दीक कर रहे हैं। तो इसलिए अभी इस खबर पर कान ना धरें, क्योंकि जब भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको उसकी मुसद्दका खबर दूंगा, क्योंकि इकबाल खटक साहब मेहरबानी करते हैं, वो हमेशा जो है बरवक्त इतला दे देते हैं। और आपको पता है कि मज़दूरों की वाहिद नुमाइंदा आवाज़ है जो वहाँ वज गज के बड़ी ज़ोर शोर के साथ, बड़ी पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, मुकम्मल तैयारी के साथ बोर्ड में बैठते हैं और आपके हकूक़ पर बात करते हैं, आपके हकूक़ के हवाले से जो है वो वहाँ पर आपकी सही हकीकी नुमाइंदगी करते हैं। तो इसलिए अभी तक उन्होंने जो है इस खबर की कन्फर्मेशन नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास अभी तक इस हवाले से कोई इतला नहीं है। ज़ाहिर है अगर इजलास हो रहा होता तो उनको ज़रूर इतला होती, और जूँ ही कोई इतला आएगी तो वो इतला मुझ तक भी पहुँचेगी और फिर आप तक भी पहुँचेगी।